ये रील तो बहुत बढ़िया है भाई। और रोहन सर क्या हाल चाल? अरे हुजूर भाई आप और कैसे हैं? सब बड़े तुम बताओ। मैं बढ़िया, आपका कैसा आना हुआ? अरे थोड़ा इधर से गुजर रहा था, तुमसे बात करनी थी मेरे को कि मेरे बारे में। अरे वो बता, यूट्यूब पे एक नया फीचर आया है। कौन सा फीचर? एक पॉडकास्ट टैब आया है। पॉडकास्ट टैब? अरे दैट इज नॉट अ फीचर, पॉडकास्ट तो बहुत पहले से है, इसमें कहने हैं। हाँ वो तो है, लेकिन मैं सोचा कि एक नया फीचर यूट्यूब पे आया तो क्यों ना हम लोग भी ऐसा कुछ ऐसे स्टार्ट करें। हाँ वैसे ये तो आप फर्स्ट बात कह रहे हैं, पॉडकास्ट का टैब मैंने पहले आज तक यूट्यूब पे नहीं देखा है। ये शायद अभी 2 महीने पहले ही आया है अपडेट। हाँ मुझे ऐसा, मैं आज गुजरा था, मैं सोचा मैं दिमाग में मैं देखा है तो मैं तुमसे एक राय ले लूँ। अच्छा क्या आपको याद आ गया? अरे बहुत सही, मैं सोचा क्यों ना स्टार्ट करें एक नया चैनल खोल के। वी डोंट नीड अ चैनल, मेरे पास है एक चैनल, मेरे अभी अभी 39 सब्सक्राइबर्स हिट हुए हैं। आपको पता है? नहीं मुझे पता था। अरे अभी अभी तुरंत हिट हुआ है, पता नहीं कैसे बट लाइक आउट ऑफ द ब्लू मेरा चैनल जूम कर गया है, तो हम लोग अपने चैनल पे डाल सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, अच्छा हमारे लिए। और क्या व्यूज? अरे आपको पता है एक अंदर की बात बताऊँ? हाँ वो तो है, भाई को देख रहे हो ना हो पर नहीं भाई, हम लोग कंटेंट तो बिल्कुल बना रहे हैं। हम लोग भी यूट्यूबर को बुला सकते हैं, छोटे मोटे यूट्यूबर को उठा लेंगे, देख देंगे। छोले भटूरे खिला देंगे उसको बदले में। स्टार्ट करें चलो। चलो पहला एपिसोड हम लोग अभी शूट करते हैं, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स डू दिस। So, hello guys and welcome back to another video. And basically not another video, ये नई video है हमारी. And we are going to start a new podcast today. And हमारे podcast का नाम है देवान हेनोडे टॉक्स. मैं हूँ आपका host and दोस्त देवान सक्सेना on our channel Demolisher Devansh. And ये है मेरे वो आपके co-host उदित मिश्रा. And ये अपना introduction खुद ही दे सकते हैं. I don't need to do that, I think. हेलो, मेरा नाम मिश्रा है और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं गाना गाता हूँ, लेकिन मैं आपका बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ और एक भाई जैसे हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। एक या भैया, यू नो वी आर टेक्निकली ब्रदर्स, या फ्रॉम द सेम मदर, भारत माता, भारत माता ब्रो, भारत माता। एंड इस पॉडकास्ट समझ लीजिए, इस पॉडकास्ट में हम लोग अलग अलग टॉपिक से बात करेंगे। कभी हम लोग कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक से बात करेंगे, जैसे कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है किसी बीच में, अपने अपने ओपिनियन शेयर करेंगे। हम लोग कभी कभी एक दो यूट्यूबर जो कि हमारे, खैर हम लोग बहुत बड़े यूट्यूबर नहीं है टू बी ऑनेस्ट, हमारे खुद ही मुश्किल से 100 व्यूज आते हैं, बट या टेकिंग इनटू दैट कंसीडरेशन, मेरा एक खैर यूट्यूबर फ्रेंड है, मैं उसको बुला सकता हूँ। तो भैया वी हैव इट, मैं और आपको हर हफ्ते हमारा एक यूट्यूब मतलब क्या कहते हैं एक पॉडकास्ट देखने को मिलेगा, एक एक एपिसोड हर हफ्ते। बट कुछ हफ्तों के बाद में इट विल स्टॉप बिकॉज मैं जो है यहाँ से बाहर चला जाऊंगा। सो हम लोग यूजुअली कह सकते हैं बाद में आपको हम पॉडकास्ट का एपिसोड, यस पॉडकास्ट का एपिसोड हम लोग आपको वीडियो कॉल पे शूट करते हुए मिल सकते हैं। सो प्लीज बेयर विद दैट एंड रेस्ट। आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं भैया? आज मैं सोच रहे हैं कुछ अच्छी सी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें या फिर कोई ऐसी चीजें बारे जो तुम बताओ, कोई अच्छा टॉपिक। आजकल तो क्या टॉपिक में यही चल रहा है कि YouTube नए नए अपडेट्स ला रहा है। अरे आपको पता है हम क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छा अपडेट आया है। अच्छा कैसा? हम लोग को आप पता है सिर्फ 3 मिलियन शॉर्ट व्यूज चाहिए होंगे एंड 500 सब्सक्राइबर्स, ये बहुत सही है यार। और इसमें हम लोग को और कुछ नहीं करना है, 3 मिलियन शॉर्ट व्यूज चाहिए एंड वॉचार्स कितने चाहिए थे? 3000 वॉचार्स चाहिए थे, तो ये बहुत सही कर दिया। हाँ और ये पता है पूरी मोनेटाइजेशन नहीं है, आई मीन इसका डार्क रियलिटी यही है कि ये पूरी मोनेटाइजेशन नहीं है। वीडियो बनाओगे तो उसका अलग ही होगा? नहीं, ये हाफ मोनेटाइजेशन है। इसमें आप ये कर सकते हो कि लाइक बेसिकली हम कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, हाँ ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे शॉर्ट्स आप देखते हो, हाँ शॉर्ट्स हम लोग को 16:9 की जगह पे 9:16 मतलब ऐसे वर्टिकल लिख दिया, राइट? उसमें आप एड्स लगा सकते हो। अच्छा, आप उसके थ्रू पैसे कमा सकते हो, मतलब आप एड्स डालो एंड उसके थ्रू हम लोग जो है पैसे कमा सकते हैं। मतलब ये नहीं हम लोग रेगुलर वीडियो में नहीं डाल पाएंगे, बट हाफ मोनेटाइजेशन का मतलब यह है कि हम लोग अपने शॉर्ट्स पे एड डाल पाएंगे। शॉर्ट्स पे, यस वी कैन मोनेटाइज अवर चैनल लाइक स्पेशल थैंक्स। आपने स्पेशल थैंक्स का फीचर देखा है? हाँ मैंने देखा।
स्पेशल थैंक्स का फीचर जिसमें डॉलर बना रहता है एंड देन यू क्लिक इट, 10-20 रुपए में आपको एक इमोजी भेज सकते हो. एंड हम लोग सुपर चैट अनेबल नहीं कर सकते. तो आधी मोनेटाइजेशन में बेसिकली हम लोग यही कर सकते हैं, सुपर थैंक्स हम लोग ले सकते हैं, हम लोग शॉर्ट फीड पे एड लगा सकते हैं एंड लाइक एक दो और चीजें थी. तो लाइक ये फीचर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया. मैंने ये सोचा 3 मिलियन शॉर्ट्स हो सकते हैं, लाइक छोटे मोटे क्रिएटर्स भी बहुत फायदेमंद है. जैसे हम लोग छोटे मोटे क्रिएटर वाइज न्यूज के लिए पॉडकास्ट बना रहे हैं, बताओ. नहीं है, छोटे मोटे क्रिएटर भी फायदेमंद है थोड़ा. और वीडियो जितनी जल्दी वायरल नहीं होती है, शॉर्ट तो जल्दी वायरल होते हैं थोड़ा. हाँ, इसका एग्जांपल आपको अगर देखना तो आप मेरे चैनल पे खुद ही चेकआउट कर सकते हो. लाइक दाफक बूम का चैनल है, उसका मैंने लाइक कॉपी करके पूरा लाइक 1300 सब्सक्राइबर्स आप देख रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट वीडियोस ओनली. मैंने सारी कॉपी करी है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ यहाँ पर पब्लिकली, मैंने सारी कॉपी करी है. बट ये सब्सक्राइबर जेन्युइन है, क्योंकि भाई अगर सब्सक्राइब कोई नहीं करना चाहता क्यों करता है ना, बस सही है, ऑब्वियस सी बात है. एंड या इससे मुझे याद आया, इनके चैनल के बारे में इन्होंने आपको बताया तो कि लाइक ये गाना गाते हैं, बट क्या आप थोड़ा सा गा के दिखा सकते हैं यहाँ पर? या मैं ट्राई कर सकता हूँ. हाँ ट्राई करिए, बट लाइक गा के दिखाइए हमारी ऑडियंस को. तो गाइस अब आप मैजिकल वॉइस सुनने वाले हो हमारे उदित मिश्रा भाई की, लेट्स गो. देखो सभी लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है? और भैया माइक थोड़ा क्लोज रखिएगा ताकि उनको अच्छे से सुनाई दे. हाँ हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं. अरे नो ऑटो ट्यून नीडेड, नेहा कक्कड़ तुम्हारा तो सफर खत्म है. अरे उदित मिश्रा इज कमिंग फॉर यू. टोनी कक्कड़ नेहा कक्कड़ का सबका करियर खत्म है. नहीं यार, मजाक से हटके आप लोगों को खुद ही समझ में आ गया होगा कैसी आवाज है हमारे भाई की. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपको अच्छा लगा तो हाँ लाइक अच्छा लगा हो तो लगा लगाओ. चेकआउट करेगा लेकिन तो डिस्क्रिप्शन. हाँ तो अब हम लोग चलिए, जब उन लोग का गाना वाना हो गया है, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ आदि पुरुष. लाइक आदि पुरुष भाई द डिजास्टरस मूवी एवर क्रिएटेड. और अरे ये क्रिएटर सबसे बड़े पागल है, ऐसे डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने रामायण नहीं बनाई है, हमारे रामायण पे बेस्ड बनाई है. रामायण बेस्ड है भाई, भाई रामायण पे बेस्ड मतलब रामायण पे बनाई है, कहां पे छाप दी है उसकी रामायण की, तो उसे बेस्ड क्या है, कुछ फाइनल डिफरेंस करते नहीं. नहीं नहीं, अब ये सोचिए रामायण बेस्ड मतलब क्या होगा, रामायण पे ही तो बनाई, रामायण बेस्ड वो तुम उन लोग को उल्लू बना सकते जिनको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है? वही चीज है, वही चीज है. और इतना तुम समझ लो, इंडिया में मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा रामायण कोई कहते थी. बिल्कुल, बस ये तो ऑब्वियस बात है भाई, हम लोग क्या ही बोल रहे हैं भाई. हम लोग पढ़ते हैं अपने घर में, जब हम लोग का घर बनता है हम लोग रामायण रखते हैं प्रॉपर, ठीक है? वी हिंदूज आर लॉयल टू अवर गॉड्स. यस, हमारे पास प्रूफ है ब्रो, मतलब कुछ भी कोई भी कुछ भी डायलॉग डाल दिया भाई, कुछ भी डायलॉग, मतलब तू तड़ाक करके तो आज तक हमारे भगवानों ने बात नहीं करी, और सब लोग संस्कृत में बात करते हैं. यहाँ तक कि जब राम जी गए थे, हनुमान जी गए थे माता सीता जी के पास, तो उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया, मतलब छोटे बन गए थे बहुत ज्यादा, ठीक है? क्योंकि माता जी थी ना, तो उनके सामने बड़े बन के नहीं गए थे, बहुत छोटे बन के गए थे. लेकिन आदिपुरुष में उल्टा दिखा दिया गया है,
माता जी पहाड़ पे खड़ी है और बोले इतना बड़ा दुख धारण करके वहाँ गए हुए हैं उनसे मिलने, और जब लंका जलानी थी तो उन्होंने सूक्ष्म धारण किया था, उल्टा हो गया। जबकि लंका जलाई थी तो वहाँ पे वो बड़े हो गए थे काफी, पूरा जलानी थी भाई बिल्कुल। और तो उनकी भाषा भी ऐसी थी कि वो अपनी वो नहीं करते थे कभी तारीफ, उनसे पूछा गया था कि तुम कौन हो तो वो सिंपली कह रहे थे कि मैं राम दूत हनुमान हूँ। और भाई तारीफ भी अपनी खुशी, अरे अपनी तारीफ करें और उतना ही नहीं बताओ कैसी भाषा यूज कर रहे हैं, तेल तेरे बाप का, ये तेरे बाप का, वो तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की क्या भाई, ये एमसी स्टैंड वाले गली। हाँ ये मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है ये जिन्होंने बनाया है ना, उमराव जी ने बनाया है, उमराव जी ने डायरेक्ट किया शायद, हमको लग रहा है एमसी स्टैंड ने गाने सुन किया होगा, इंस्पायर्ड भाई एमसी स्टैंड। हाँ बस्ती का हस्ती ग्रो मतलब भाई एकदम घटिया एकदम बकवास मूवी बनाई है। एंड इस मूवी को लोग जो कह रहे हैं ना हिट मत करो कि इन्होंने बस जो है ऐसे मॉडर्नाइज कर दिया, ये कर दिया, भाई तुम्हारी माइथोलॉजी के साथ खेला गया है, जस्ट थिंक अबाउट इट भाई, माइथोलॉजी के साथ में खेला गया है। हाँ भाई बिल्कुल, मतलब एकदम मजाक बना दिया, मजाक बना दिया यार, मतलब राम सीता जी जो है वो है मॉडल बन रही है, मिया खलीफा नहीं है भाई, वो सीता जी थी माता, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, वो कोई बना दिया। हाँ वो मतलब वो बाहुबली नहीं है भाई, वो बाहुबली के भी बाप थे ठीक है। और तो रावण जो है अपने जब जैसे कि जब हनुमान जी को बांध के लाया गया था सभा में लाया गया था, हाँ, 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 उन्होंने कई देखे थे जैसे कि मतलब वहाँ पे यमराज को बांधा हुआ था रावण ने ठीक है, काल को बांधा हुआ था ठीक है, और वो जो ऊपर से बैठ के शायद ये भी बोलता है, हम लोग ने पुराने उसमें देखा है शायद एक टीवी सीरीज हाँ, जिसमें वो ये कहते हैं कि यहाँ से तुम बड़े छोटे लग रहे हो, तो वो अपनी पूछ ऐसे ऐसे ऊपर कर लेते हैं, कहते हैं तुम मतलब यहाँ से छोटे दिख रहे हो। ये तुम करेक्ट करना चाहता हूँ दीवान, क्योंकि वो जो है वो अंगद थे, जिन्होंने अपनी पूछ पे करके बैठ गए थे, वो अंगद थे, वो अंगद थे, वो हनुमान जी नहीं थे, हनुमान जी का रूप था ना लिखे थे, हनुमान अंगद जी थे वो आए थे पहले, उसके बाद हनुमान जी आए थे, पहले अंगद आए थे, जैसे भी जो है अंगद बाद में आता है, हनुमान जी आए थे, अंगद आए थे बाद में वो करने, क्या कहते हैं कि सुलह करने की अभी आपके पास मौका है, आप अभी आपकी युद्ध चाह सकते हैं और राम जी क्षमा मांग लीजिए, पूछ तो हनुमान जी की है, आप उस हनुमान जी की ताकत दोनों दोनों रहती है, ये बात हो रही है। तो मतलब पूछ किसने लाइक बड़ी करी, अंगद जी, अंगद ने, तो हनुमान जी ने अपनी मर्जी से क्यों नहीं करी, नहीं हनुमान जी क्या हुआ था कि हनुमान जी को जो सभा बांध के लाया गया था तो उन्होंने कुछ लंबी करी थी, लेकिन वो उन लोग सभा सिखाने की थी, उससे मुझे जाने की नहीं की थी, वो अंगद थे। अच्छा वो अंगद थे, ओके, इसका मतलब हनुमान जी कभी भी अपनी तारीफ नहीं करे अपने, नहीं उन्होंने कभी नहीं की अपनी तारीफ, उन्होंने तारीफ की नहीं कभी, उन्होंने रावण की, जबकि अगर वो जय श्री राम बोल दे तो पूरी दुनिया खत्म कर दे अपनी, बिल्कुल हाँ और क्या बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे बहुत ही गलत दिखा दिया गया है, यहाँ पे रावण जो है वेल्डिंग कर रहा है, वेल्डिंग, अरे भाई वेल्डिंग छोड़ो, पांच के ऊपर पांच सर क्यों लगाए हैं आपका, क्या ग्राफिक्स जो मतलब जो आपका हार्डवेयर तक इतना हैंडल नहीं कर पाया क्या, पांच सर इधर कर दो अब भाई, रावण के पांच सर इधर चलो ठीक है यार, एक बार को वो हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन रावण ने जो है वो करवाया था छपरी हेयर कट, ये कोई समझाओ भाई मुझे, वो भाई ब्राह्मण था, वो एक अच्छा, वो ऐसा ब्राह्मण ना कभी था ना कभी होगा, ऐसा राम जी ने उसको कहा है, वो ऐसा ब्राह्मण, वो ब्राह्मणों में भी वो ब्राह्मण था, और ब्राह्मण छोड़ो उसके पास इतनी अकल थी ना, उसके पास बहुत अकल थी, बस उसने गलत तरीके से यूज करी थी, इसलिए आज जब हम लोग जलाते हैं रावण को तो हम लोग इधर उसके सर के बीच में गधा लगाते हैं, बहुत लोग नहीं लगाते हैं जिन लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन बहुत सारे लाइक एक दो जगह मैंने देखा है लगाते हैं लोग पार्क में, चारों वेदों को ज्ञाता था, चारों वेदों का, चारों वेद छोड़ो उसको दुनिया भर के नॉलेज थी, यहाँ तक कि जब क्या हुआ था कि राम जी ने भी एक्सेप्ट किया था जब वो मारा गया था, राम जी ने लक्ष्मण से कहा था कि जाके उससे उपदेश लो कि वो ब्राह्मण है, उसने वो मुझसे भी विद्या में कई ज्यादा है, तो राम रावण तो लक्ष्मण जी थे उनके पैर के पास गए थे और उसे हाथ जोड़ के नमन किया था कि मेरे को उपदेश दीजिए, तो उन्होंने बहुत सारे उपदेश ऐसे दिए थे जो आप जाते हैं, लेकिन क्यों दिए जब तो वो तो दुश्मन थे राम जी का, दुश्मन थे लेकिन राम जी क्या थे मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना, उनको पता था कि सामने वाला कितना ही बुरा था लेकिन वो अपने एक फील्ड में बहुत ही अच्छा एक्सपर्टीज हासिल कर चुका था, ठीक है वो ज्ञान की फील्ड में रावण की एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा थी, रावण तो हर चीज में आ गए थे राम से, या तो पैसा में हो या वो ज्ञान में हो या वो बल में हो, हर चीज में ताकत रखता था रावण, कुछ भी हो, नहीं बल में तो खैर नहीं था, बल में होता तो वो ना वो उठा लेता भाई, वो सीधा जी पे ले जाता पहले ही, राम जी थे जो सिर्फ रावण के, रावण के मम्मी कोटता, रावण कोटता भाई, आदि पुरुष इज द बेस्ट मूवी एवर क्रिएटेड इन बॉलीवुड एंड टॉलीवुड,
वर्स्ट लाइक लिटरली VFX CGI की तो बात ही छोड़ो भाई, मजाक बना रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे एनिमेशन चल रहा है, मतलब पूरा कोई रियलिस्टिक है ही नहीं भाई। चमगादड़ भी क्यों उड़ रहा ये समझाओ भाई, इतना अच्छा था पुष्पक विमान, पूरा सोने का बना हुआ था, उसकी कीमत पता इतनी थी आदि पुरुष वाले चकरा जाते, कीमत इतनी थी, बहुत थी भाई, प्योर सोना। वो पहला विमान ऐसा था, और विमान छोड़ो भाई उसके जो वो थी लंका, वही भाई पूरे सोने की थी ना, एस्गार्ड कॉपी कर दिया, एस्गार्ड को काला कर दिया है सोने का, तो एस्गार्ड भी सोने का था भाई। एक टाइम मेरे को यही लगा कि मैं थॉर की मूवी देखने आया हूँ, थॉर द डार्क वर्ल्ड, थॉर द डार्क वर्ल्ड, बस वो है बेकार कर दिया मूवी को, कुछ छोड़ो यार टू डिटॉक्स आवर माइंड। अच्छा हाँ भैया, इस टॉपिक से मुझे याद आया रामायण वामायण से, कि कुरुक्षेत्र की एक एरिया है जो लाइक कहा जाता है कि जहाँ पे वॉर हुई थी वो मिट्टी अभी तक लाल है किसी रीजन की वजह से, हाँ लाइक ऐसा कोई मिथ मैंने सुना है कहीं पे, यूट्यूब वीडियो मैंने देखी थी जिसमें नहीं, 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 नहीं है, क्या हुआ था कि बहुत जब युद्ध हुआ था तो युद्ध की सुनो तो एक पूरा वर्ल्ड लड़ा था उसमें, कई सात अक्षौणी सेना थी, सात अक्षौणी सेना, अक्षौणी सेना क्या होता है, अक्षौणी मतलब एक उस टाइम तो होता था गिनती अक्षौणी, वो अब गिनती नहीं होती है वैसे, वो बहुत ही लार्ज अमाउंट था उतना, मतलब ह्यूमन उतना नहीं गिर जा सकते, नहीं उतना काउंट हम अब नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ही हाई काउंट था ठीक है। और तो और मैं तो आपको बता भी दूं कि 166, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर फैक्ट देख सकते हैं, 166 करोड़ 20,000 लोग मरे थे, आप सोच सकते कितने लोग मरे थे, और तो और 24,165 मिसिंग थे। लोग साइंटिस्ट तो अंग्रेज साइंटिस्ट उन्होंने बोल दिया आराम से कि यहाँ पे आयरन की मात्रा ज्यादा है, यहाँ की मिट्टी लाल है, लेकिन आप ये सोचो कि खून में भी तो आयरन होता है, और इतने सारे लोग अगर मरे हैं तो भाई कितना आयरन होगा, बहुत मरे थे, ये तो कुछ नहीं हम लोग पता है, वही चीज है, बहुत मरे थे, हम लोग वहाँ तक काउंट नहीं कर सकते ऐसा जैसा आप बता रहे हैं, हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब तो बहुत ही मरे थे, 24,165 जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ। वो भी कोई ऐसा फिगर थोड़ी कि एकदम लाइक करेक्ट फिगर, 7-8 अक्षौणी सेना तो खाली कौरवों की थी, उसके बाद 3-4 अक्षौणी सेना अर्जुन लोग की थी, बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग थे, ये तो इंटरेस्टिंग बात है भाई, और तो उनकी हाइट भी कितनी बड़ी बड़ी होती थी हम लोग से, ये इसलिए मिथ नहीं है, जिसको मानना वो मानेगा, जिसको नहीं मानना वो नहीं मानता, नहीं मिथ उसने कहा था जो लाइक वीडियो जो मैंने देखी थी, उसने कहा था कि एक मिथ है इसके वजह से है, बट उसने आखिरी में ये बोला था कि आयरन की मात्रा ज्यादा है, हाँ, साइंटिस्ट ने कह दिया गया मतलब, हाँ, अब भाई देखो साइंटिस्ट तो बहुत कुछ बोलते हैं, साइंटिस्ट तो ये भी कह रहे थे कि जो है जो वो है हमारा जो कौन था राम सेतु जो है वो जो है मैन मेड ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक नेचुरल मेड है, हाँ, लेकिन जब प्रूव हुआ तो वो हो गया, लेकिन हाँ एक चीज है, लेकिन मैंने ये सोचा, ये मेरा ओपिनियन है कि मैन मेड है, बट आपने कभी ये सोचा है ये लिखा जो है जो राम जी की बर्थ डेट लिखी गई है ये किसी इंसान ने ही लिखी हो, लाइक जब वो जन्म लिया हो तब लिखा हो उसने अपनी डेट, देखो पता है पूरी रामायण जो है तुलसीदास ने लिखी है, एक वाल्मीकि रामायण है तुलसीदास रामायण ठीक है, अगर जैसे कि आप विश्वास नहीं मानते हैं तो मैं बता दूं कि एक दोहा है, जैसे कि मैं प्रूफ कर सकता हूँ आपको कि जब क्या हुआ था कि एक बार क्या हुआ था कि हनुमान दूसरे जी बैठे हुए थे घाट पे, तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मेरी जो है मुलाकात कराती थी राम जी से ठीक है, तो हनुमान जी ने कहा कि देखो राम जी को देवी शक्ति के पास नहीं होती है ठीक है, लेकिन मैं तुमको एक संदेश दे दूंगा कि हाँ राम जी यहाँ पे हैं, लेकिन मैं तुमको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा कि राम जी आ गए हैं ठीक है, तो उन्होंने तो क्या हुआ था जैसे जब राम जी आए तो उन्होंने एक दोहा बोला, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़ आप यहाँ पे खुद भी इस चीज को जो है देख सकते हैं, ये दोहा बोला था, इसका मतलब ये था कि वहाँ पे राम जी आ गए तुरंत, और तुरंत दिमाग में आया था जब रघुवीर का नाम आया कि तिलक बेस रघुवीर, बस तुरंत चरण पकड़ लिया उन्होंने, अब पूरा तक ये रामायण है ऐसा बताया था कि हनुमान जी ने पूरा मुझसे वो जबानी बोली थी उन्होंने लिखा था तभी वो शायद अंधे थे, तुलसीदास जी शायद अंधे ही थे क्योंकि उन्होंने शायद भगवान जी को देख लिया था, लोग कहते भी हैं कि जैसे वहाँ पे लीला होती है वृंदावन में, फिर रिमेम्बर जो भी उसको देख लेता है या तो वो पत्थर बन जाता है या तो वो अंधा हो जाता है या तो मर जाता है, तुलसीदास जी अंधे नहीं हुए, अंधे नहीं थे, अंधे नहीं थे, तो मतलब उन्होंने हनुमान जी को देखा है, राम जी को देखा है, चलो भाई ऊपर चल के पूछेंगे कैसे दिखते थे, उन्होंने राम जी देखा है और हनुमान जी देखा है ठीक है, तो ये एक असली कहानी है ठीक है, उन्होंने जो भी लिखा है वो सब सच है,
की केक खिलाते हैं, सबसे अच्छा ठीक है। और जो तुमने भी पूछा मुझसे कि वृंदावन में जो होता है उसमें क्या होता है कि रात में, हाँ वो तो नहीं नहीं वो तो मुझे पता है, मैं वो एक एग्जांपल दे रहा था एक कि जैसे लाइक शायद तुलसीदास जी अंधे थे ना देवी कौन से, हाँ लाइक हम लोग अभी गूगल सर्च कर लेते हैं कि हम लोग को भी सारी चीजें नहीं पता हो सकती भाई। लिंक कोई तो अंधा था, एक एक कवि था जो अंधा था, मैंने पढ़ा स्कूल में वैकनाल पागल नहीं या तुझा बचपन से देखा तुलसीदास जी, अरे भाई मैंने तुलसीदास था ये तो हनुमान जी होना चाहता है उन्होंने राम जी से फेस टू फेस बात करी थी, बट वो मन में दिखे होंगे बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो अंधे थे ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि भगवान जी को जिसने भी देखा है वो या तो अंधा है और अब हम लोग के बीच में भी नहीं है तो हम लोग वैसे भी नहीं बता सकते ठीक है। तो ऐसा है कि जो है मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे जो है लोगों के मिथ चलते रहते हैं, काफी चीजें चलती रहती हैं। तो हम लोग अब इस टॉक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, एंड मे बी हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में आपको कोई गेस्ट दिखे, मे बी लाइक एक सरप्राइज काइंड ऑफ गेस्ट हो सकता है जो हम लोग को दिखे, हम लोग वीडियो कॉल पे उससे बात करें लाइक फेस टू फेस, मे बी मे बी। तो जितने हम शेयर किए वो सब एक डिस्कशन था, एक डिबेट था, कुछ सीरियसली ना लीजिएगा। हाँ ये हम लोग सब एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए हम लोग अपने अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं हर चीज़, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे हम लोग को कर सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर एवरीबडी, हम मैं रिप्लाई भी करूंगा सबका बिकॉज 24 घंटा मेरे पास ही फोन रहता है, माय अकाउंट से हम लोग स्वीकार करेंगे, हम लोग अगर सही हुए आपके पॉइंट्स तो वी विल एक्सेप्ट इट, अगर सही नहीं हुए तो सीखने को मौका मिलेगा। हाँ और क्या, एंड ऐसे ही हम लोग जो है आप भी कमेंट सेक्शन में हम लोग से नए नए टॉपिक्स बता सकते हैं कि डिस्कस ऑन दिस टॉपिक्स, हम लोग अगर किसी चीज का आपको ओपिनियन चाहिए हो, अगर आपको कोई मसालेदार टॉक चाहिए हो किसी की तो आप यू कैन टेल अस, हम लोग जो है उसके ऊपर नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, एंड यू कैन बी द लकी वन यू नो, बट लग नहीं रहा है मुझे इस पॉडकास्ट पे व्यूज आएंगे, प्रूव मी रॉन्ग, इस पॉडकास्ट पे बहुत सारे लाइक्स एंड व्यूज दे दो, एंड अगर ये चल जाती है तो लाएंगे तो नहीं, वैसे भी लाएंगे बट ये एक बहाना है समझ लो फंसाने का, दिस इज अ ट्रैप। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड हम आपसे मिलेंगे अब अगले एपिसोड में नेक्स्ट वीक, सी यू ऑल, बाय बाय। Stopping searching, yeah, it's burning. All this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay. I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright. I'm just barely getting right. But I'll tell you, I'm just fine. So you leave me alone. They say I'm way too obsessed, and I've got nothing left, and I'm not quite there yet. But those words, they'll regret, 'cause I've got something left, and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end. No.
I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the theme. Every night, got a team. I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, this a dream, and I pray as a team. One day, it be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today, for a minute. I don't stay, I just lose it. Have no shame, I admit it. Looking high at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. To God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pour. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now.